को देखते हुए रेलवे के द्वारा यात्रियों को सुविधा पहुंचाने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाई जा रही है। एक बार फिर रेल मंत्रालय के द्वारा यात्रियों के लिए नई घोषणा की गई है। इस घोषणा के अंतर्गत रेलवे के द्वारा 32 अतिरिक्त विशेष ट्रेन को अधिसूचित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय रेलवे के द्वारा इस वर्ष छठ पूजा को लेकर 211 विशेष ट्रेन चलाए जा रहे हैं। रेल मंत्रालय के द्वारा एक बयान में कहा गया है कि कुछ ऐसे रेल मार्गों पर देश भर के प्रमुख स्थलों को जोड़ने के लिए रेलवे के द्वारा विशेष ट्रेन चलाने की योजना बनाई जा रही है। जिन रेल मार्गों से देश के प्रमुख स्थान को जोड़े जाएंगे उनमें दरभंगा, आजमगढ़, सहरसा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, फिरोजपुर, पटना, कटिहार और अमृतसर आदि जैसी जगह शामिल है। बता दें कि इनके द्वारा बयान में यह भी कहा गया है कि रेलवे के द्वारा इस त्योहारी सीजन में अतिरिक्त विशेष 32 ट्रेनें चलाए जाने का फैसला लिया गया है, जबकि इससे पहले भी 169 ट्रेनों को अधिसूचित किया गया था। रेलवे के द्वारा ये अतिरिक्त 32 ट्रेनें इसलिए चलाई जा रही है ताकि त्योहारी सीजन के दौरान सभी यात्री सुगम तरीके से सफर कर सके, उन्हें सफर के दौरान किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन स्पेशल ट्रेनों के अलावा रेलवे के द्वारा स्टेशन पर होने वाली भीड़ को देखते हुए यात्रियों को सहूलियत पहुंचाने के लिए टेंट लगाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा आने वाले शुक्रवार तक यात्रियों के लिए विशेष काउंटर, शौचालय, बैठने की जगह, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर ली जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।